अब बात करते हैं इनरवेयर्स की, और ऐसे इनरवेयर्स पहनने से आपकी सेहत और किस्मत पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, ऐसा होता है अमूमन? होता तो है, कुछ लोग फटी बनियान भी पहन लेते हैं। उपवस्त्र, जो अंतः वस्त्र हैं उनको उपवस्त्र कहा जाता है। उपवस्त्रों की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फटे गंदे उपवस्त्र पहनने से मन चंचल हो जाता है। ऐसे कपड़े कई तरह के रोग, शोक और अनिष्ट का कारण बन जाते हैं। ऐसा करना निर्धनता का प्रतीक होता है। आपके घर में आमदनी के चाहे जितने भी स्रोत हों, फटे हुए कपड़ों को पहनने से घर में बरकत नहीं होती है, बात मान लीजिए। पैसे आते तो हैं, लेकिन बचत करने में काफ़ी मुश्किल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात जान लीजिए, आपका जो बाह्य आवरण है, जो बाहरी कपड़ा है, ये तो सामने वाले को प्रसन्न करता है। जो आपको देखता है उसकी आंखों में शीतलता आती है, वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। और यदि आप प्रकृति के विरुद्ध कपड़ा पहनते हैं तो सामने वालों की आंखों में चुभन होती है। लेकिन इनर वियर जो है, जिसे सिर्फ आप बाथरूम में पहन करके खड़े होते हैं आईने के सामने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ ब्रांडेड हैं और अच्छी वैरायटी की हैं और अच्छी हैं, तो आपको अपने को देख करके अच्छा लगेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, क्योंकि ये एक ऐसा परिवेश है जिसे आप देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? अपने नहाने वाले घर में देखते हैं, आईने में देखते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, अपने इनर वियर को हर समय आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक छोटा सा टोटका बता रहा हूं आपको, अगर आप शनि के पीड़ा से बहुत पीड़ित हैं और शनि के बहुत उपाय आपने कर डाले हैं लेकिन आपको कहीं कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा आजमाया हुआ मैं अपना उपाय बताऊं, आप करके देखिए। उपाय ये है कि आप अपने अंडरवियर को पहले नहाने के बाद साबुन से साफ करिए। साबुन से धोने के बाद जब वो एकदम साफ हो जाए तो उसको अच्छे से निचोड़िए, और निचोड़ करके नहाने के बाद उसी अंडरवियर से आप अपना सर पोंछ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये उपाय अगर आप 40 दिन लगातार कर लें तो शनि की चाहे जितनी कुटिल दृष्टि आपके ऊपर होगी वो भी अच्छे में बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्सर लोग तौलिया का इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर शनि पीड़ा से बिलबिला रहे हैं, राहत नहीं मिल रही है, शनि महादशा अंतरदशा में दूषित फल कर रहा है, तो अंडरवियर को साबुन से धो करके और उसके बाद उससे अगर आप अपना सर, मुंह, हाथ पोंछ लेंगे तो निश्चित मानिए कि शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये आजमाया हुआ उपाय है, केवल ऐसे नहीं हवा में मैं कह रहा हूँ, ये आजमाया हुआ उपाय है और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी।